फर्स्ट डे था आज। तो आज की शुरुआत होने लगी है बाइक के ऊपर। और बाइक के ऊपर क्यों होने लगी है, क्योंकि मेरे को ना इसमें थोड़ा सा चेंज करना था। चेंज क्या करना था, वॉशिंग करानी थी। वॉशिंग कराने के चक्कर में मैं खुद दूंगा या बाहर से कराऊंगा तो उसमें दिक्कत हो सकती है। दिखाऊंगा आपको क्या खोलना है। क्या तो ये जो जाल है ना, ये वाला जाल खोलना है। और इसके लिए एलन की चाहिए, मेरे को लग रहा है 4 नंबर की होगी एलन की या 5 नंबर की होगी। और ये 1 2 3 पेज खोलने हैं जाल निकाल के। बाहर दुकान पे चलते हैं सीधा इसको लेके। कल वॉश हुई थी कंपनी से। उतार किस ले रहा हूँ वो तो मैं आपको बताने भूल गया, क्योंकि हमारे पास ना कोई सहेली है, ना कोई गर्लफ्रेंड है, और ना कोई साड़ी पहनने वाली जो पीछे बैठ के साड़ी पहन के बैठेगी, जिसका पल्ला पुल्ला फट जाएगा, कपड़ा उपड़ा फट जाएगा, कोई भी नहीं है। लड़के लोग हैं, पीछे लड़के ही बैठते हैं। तो उसके लिए उतार देता हूँ, अच्छी लगेगी लुक में। देखो पता लगेगा उतारने के बाद, ऐसे तो पता लगेगा ही। तो चलो सीधा दुकान में ले चलता हूँ आपको भी। अटैच है मरकार्ड भी इसके साथ पिछला वाला। देखते हैं ये मेरा फुल साइड है। पता नहीं गुटके हैं क्या, ये दब भी नहीं रहे, गुटके लग रहे हैं। कैसी लग रही है देख रहे हो, गंदा कितना। तो साफ नहीं निकलने साफ है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके। पंगा हो रहा है इसमें, हमें वार से लगानी पड़ेगी दोनों में। तो अभी आप हो गए, अभी दुकान पे खोल रहा है जो उसकी साड़ी काटा है, और अब ये फेल दोबारा घर पे आ गया। मतलब बार की मन निशानी किया खोलते सामने, खोलते समय ये दिक्कत आई थी कि जो इसके जो नट लगे हुए ना एलन की वाले, वो इतने लंबे लंबे थे। दुकान पे पड़े नहीं थे, तो बाइक में मैंने कहा चल अभी नहीं है तो इतना कुछ पंगे मत लूँ, तो बढ़िया है। फिर मैंने दोबारा वापसी फिट कर दिया वो देखो। और वॉश भी करानी थी पर आज टाइम नहीं मिला, कल करेंगे। अभी चलता हूँ ऊपर अपने रूम में, और पंखे में चलाऊँ। गर्मी बहुत लग रही है आज, गर्मी है बहुत ज़्यादा। अरे सिर्फ पहले डैम पे चलाओ ना स्कूटी पर, रात को लाइट चला के, मतलब वाइट लाइट हो तो इतने मच्छर पड़ते हैं ना मुंह के अंदर, बुरा हाल रहता है यार। The next day. Good morning. और ये नेक्स्ट शूट हो रहा है ब्लॉग। आज ना एक काम और करना है मेरे को, जो कि काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि काम निपटा ही दूंगा आज। वो है जो ये अपना बालकनी है ना, छज्जा जिसको कहते हैं, उस पर मिट्टी बहुत आती है अंदर, हालांकि जाली लगी हुई है, उसके बाद भी मिट्टी आती है। उसके लिए पर्दा लेके आऊँगा। वो पर्दा कौन सा लाना, ट्रांसपेरेंट में ये होगा कि जो दिन और रात का तो पता लग जाएगा कि हाँ दिन हुआ रात हुआ। जैसे अगर रात को तो चलो पर्दा करके सो गए, मिट्टी बहुत आती है यार, मिट्टी के चक्कर में परेशान हो गया हूँ मैं। कभी डस्टिंग करवानी पड़ती है, बार बार डस्टिंग करवानी पड़ती है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी पर्दा यहाँ का भी लगा दूँ, फर्स्ट फ्लोर का भी, और सेकंड फ्लोर का भी पर्दा वो भी लगा दूँ। उसका साइज मैंने ले लिया, और चलते हैं देखते हैं कहाँ मिलता कहाँ नहीं मिलता। काफ़ी ज़्यादा जगह पता भी किया, कह रहे हैं हाँ यहाँ मिल जाएगा, और ऑनलाइन चेक किया तो ऑनलाइन आया ही नहीं। या तो हमें लिखना नहीं आया क्या लिखते हैं यहाँ, उनको समझ नहीं आया जो अमेजोन वाले। ठीक है चलता हूँ बाहर, पता करता हूँ, कई एक दो यार दोस्त ने लगाया भी हुआ, उनसे पता करता हूँ कहाँ से मिलता है। तो आज ये निपटाना काम, और एक दो छोटे मोटे काम है, बने रहना वीडियो में तो पता लग ही जाएगा कौन कौन से काम है। ठीक है चलो। तो फाइनली पर्दे मिल चुके हैं, और मैं 2 पर्दे लिया एक ही जगह। मैं कहा यार एक छोटा वगैरह ना पड़ जाए या उस एरिया को कवर ना कर पाए, तो मैं 2 उठा के ले आया। आज इसको फिट करूँगा, खुद ही फिट करूँगा, क्योंकि ड्रिल वगैरह करनी पड़ेगी, तुम्हारे भाई को आता ही है। ड्रिल मशीन उठा के सारा फिट करके
एक बंदा और साथ चाहिए क्योंकि सामान सुमान चलाने के लिए, फिर उसमें टाइम बचेगा। अगर मैं अकेला करूँगा, कर तो मैं लूँगा अकेला, बट उसमें चक्कर ये पड़ेगा कि पहले ऊपर चढ़ो, फिर दोबारा उतरो, फिर ऊपर चढ़ो, हथौड़ी पकड़, फिर ये पकड़, पेचकस पकड़, ये पकड़, बार बार ऊपर नीचे उतरना पड़ेगा टेबल से। तो इसलिए एक बंदा और चाहिए और उसके बाद काम निपटा देंगे। देख दिखाता हूँ आपको भी कैसे करते हैं काम, और पर्दे भी लगा के दिखाता हूँ आपको कैसे लग रहे हैं। कमेंट करके बताना कि बढ़िया है कि नहीं। वैसे इसको एसी वाले पर्दे बोलते हैं। मैं पर्दा लगाने के लिए, और ये जो डंडा सामने देख रहे हो, ये सामने यहाँ पे प्लास जा रहा है, यहाँ से खोलना पड़ता है। उसके बाद ये देखो लगा के फिर दिखाता हूँ आपको, समझ नहीं आएगा। अभी यहाँ से देख लो डिफरेंस बिफोर, फिर उसके बाद आफ्टर, आफ्टर चेक करो। पर्दा लगा दिए फटाफट, और देख लो ट्रांसपेरेंट है। अभी इसमें ना पाउडर लगा होता कुछ, जिससे ख़राब ना हो, वो वाला पाउडर लगा होता। दो तीन दिन में अपने अभी धो दूंगा तो सही हो जाएगा। और एक इसमें जो डंडा लगा हुआ ना अपना लोहे का, जिसमें डंडा लगा हुआ ना वो लोहे का ये वाला, इसको उठवा के ना दूसरा ले आएंगे डंडा, प्लास्टिक का जो मतलब वो आता ना हल्के वाला, वो ले आएंगे। उससे ये जल्दी होएगा, और अभी देसी जुगाड़ किया होगा, लोहे के कुंडे आते थे पुराने टाइम में, उससे टांगा हुआ अभी, क्योंकि जो छल्ले हैं ना इसके, वो उसके साथ टांगता तो ऊपर दीवार में जगह ही नहीं थी। डंडा बिल्कुल ऊपर सीटी दीवार के साथ चिपका हुआ है, दीवार के साथ चिपका हुआ डंडा, इसलिए वो कुंडे में लगाने पड़ गए मेरे को। कुंडे कौन से हैं वो भी आपको बता दें, ये वाले कुंडे हैं, ये वाले लोहे के पुराने टाइम में आते थे। कुछ नहीं, क्या लगा हुआ, काला काला पेंट होगा ये, इन्हें पेंट मार दो स्प्रे पेंट। चलो कोई नहीं, एक तो लगा दिया, और एक ये वाला वो लगाना, ये कहा गया हाजिरा, ये वो लगाऊंगा ऊपर सेकंड फ्लोर पे। इसके लिए पहले ही मैं डंडा लगा रखूंगा, फिर लगाऊंगा, क्योंकि ऊपर भी लोहे का डंडा लगा हुआ है, जैसे नीचे लगा हुआ था लोहे का डंडा, ऐसे ही ऊपर लोहे का डंडा लगा हुआ है, तो वो दूसरा लेके आएंगे। जैसे कि ये वाले डंडे सामने लगे डंडे, इस डंडे पे ना यही वाले छल्ले सही चलते हैं, ये वाले छल्ले तो यही उस पर लेके आएंगे सामने वाले, वो सामने वाले, ठीक है ना। हाँ भाई, काफी टाइम बाद बात नहीं है, डेली डेली तुम्हें पता है टूल लगते रहते, हूँ तो कंटिन्यू, आज तो कंटिन्यू हो गया, अच की स्टार्ट करिए, कितों स्टार्ट करिए, नहीं मिक्स तो नहीं मारा। हाँ फर्स्ट डे था आज, मैंने मिक्स मारी है, और कल से परसों से, कल कब से मान लिए स्टार्टिंग, मतलब रूटीन 3 दिन बाद से स्टार्ट करेंगे, मंडे चेस्ट ये वो जो आपको पता ही है। कल मैं आ गया था जिम से, और वीडियो मैंने ज़्यादा बनाई नहीं, क्योंकि आगे सो गया था खा पी के डिनर वगैरह करके, और यही था छोटा सा व्लॉग, तो मैंने सोचा व्लॉग को एंड नहीं किया। अभी एडिटिंग कर रहा था तो देखे याद आया कि यार व्लॉग को मैंने एंड नहीं किया, ठीक है। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो लाइक करके बिना बचाना, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, जो भी बढ़िया लगा तो कुछ कमेंट कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है। मिलती है ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।